नमस्कार दोस्तों स्वागत है आज की एक नई वीडियो में दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी को दिखाऊंगा कि, कि किस तरीके से बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिख करके लोग टापर होते हैं जी हाँ दोस्तों कैसे कॉपी लिखने पर उनको सत्तर में सत्तर अंक मिलते हैं तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में आपको एक एक क्वेश्चन का आंसर लिख लिख करके इस कॉपी में दिखाऊंगा कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसको कैसे लिखना है कितना जीवन परिचय लिखना है कितना बड़ा जीवन परिचय लिखना है कितना बड़ा निबंध लिखना है कितने में गद्यांश सॉल्व करना है कैसे पद्यांश सॉल्व करना है एक एक क्वेश्चन का मैंने इस कॉपी में सॉल्यूशन किया है और आपको बेहतरीन तरीके से दिखाऊंगा कि अगर आप 22 फरवरी को ऐसे कॉपी लिख करके आएंगे ना तो कोई भी एग्जामिनर आपका एक भी मार्क्स नहीं काटेगा प्लस आपको एक्स्ट्रा मार्क्स ही देगा तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा खास है बस ध्यान से वीडियो में जुड़े रहें एक एक क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है पूरी कापी मैं आपको डिटेल में बताऊँगा ठीक है तो सबसे पहले आपको बता दूँ कि बोर्ड एग्जाम में आपको ऐसे ही कापी मिलेगी जैसे आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं ठीक है ना यहाँ पे हाई स्कूल परीक्षा लिखा रहेगा उसके बाद देखिए यहाँ पे डिटेल आ जाएगी मैं जूम करता हूँ फिर दिखाता हूँ देखो यहाँ पर आपको ध्यान देना एक चीज़ ध्यान देना कि आपको ये इन सभी कॉलम्स से कोई मतलब नहीं है ठीक है उसके बाद देखो इधर आपको केवल डिटेल भरना है परीक्षार्थी सभी प्रविष्टियाँ शुद्ध एवं स्वयं रूप से भरेंगे ठीक है यहाँ पर आपको ऐसे ही रोल नंबर डालना है जैसे यहाँ पर भरा हुआ है अंकों में ठीक है इस तरीके से डालना है उसके बाद देखिए शब्दों में आपको रोल नंबर ऐसे डालना है एक अक्षर अच्छा लिखने के बाद काम है फिर एक अक्षर लिखने के बाद काम है फिर एक अक्षर लिखने के बाद काम है फिर ऐसे ही सभी अक्षरों ऐसे जो है सभी शब्दों को लिख देंगे उसके बाद देखिएगा यहाँ पे तीसरा जो है विषय एवं प्रश्न पत्र इसमें आपको करना क्या है कि विषय में जो भी विषय है आपको वो डालना है और प्रश्न पत्र में केवल एक लिखना है ठीक है ना केवल एक लिखना या केवल लिख सकते हो प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक का मतलब है कि पेपर में जो डार्क कोड लिखा रहता है ना पेपर के शुरुआती पेज में ही आप लोग देखेंगे कि कोई ना कोई डार्क कोड बना रहता है बस उस कोड को यहाँ पर लिखना है उसके बाद देखिएगा यहाँ पे परीक्षा का दिन जो भी हो जिस दिन आप परीक्षा दे रहे हैं जो भी दिन हो वो चीज़ भरना है मंगलवार हो गुरुवार हो जो कुछ भी हो दो दिन नहीं भरेंगे केवल एक दिन ही भरेंगे जैसे कि बाईस फरवरी को शायद मेरे हिसाब से गुरुवार है तो आप लोग यहाँ पे गुरुवार भरेंगे ठीक है उसके बाद देखिएगा परीक्षा की तिथि पूछी जाएगी तो 22 फरवरी 2024 लिखेंगे और डैश करके पाली पूछी गई है तो पाली में प्रथम पाली आप लोग लिख देंगे ठीक है अगर इंटरमीडिएट वाले हैं तो वो सेकेंड पाली लिखेंगे उसके बाद केंद्र का नाम यानी आपका जहाँ पर सेंटर गया है वो चीज़ भरना है इसे राजकीय कॉलेज मऊ ठीक है आपका जहाँ भी सेंटर गया है ऐसे आपको भरना है उसके बाद कक्ष निरीक्षक स्वयं भरें ये चीज़ें आपको वहाँ पर जो रूम में रहेंगे वो भरेंगे आपको ये चीज़ें नहीं भरना पड़ेगा ठीक है बस इतना आपको भरना है और ना ही यहाँ पर आपको अपना साइन करना है यहाँ पे साइन बिल्कुल भी मत करना ठीक है ये एग्जामिनर लोग करेंगे उसके बाद देखिए आप किस तरीके से आपको कैसे किस क्वेश्चन का आंसर करना है पूरी कॉपी ध्यान से देखिएगा कॉपी ऐसे ही मिलेगी लेफ्ट साइड में आपको एक पटरी के बराबर चौड़ाई लेकर के लाइन खींच देना है ठीक है हाशिया इसको बोलते हैं उसके बाद आपको करना क्या है देखिए कोई भी प्रश्न है जैसे गद्यांश है तो सबसे पहले उसके खंड का है खंड डालो ठीक है उसके बाद कौन से प्रश्नोत्तर का है तो प्रश्नोत्तर संख्या एक डालेंगे देखिए स्केच का यूज नहीं किया गया है बिल्कुल भी ठीक है आप लोग डार्क ब्लैक पेन का यूज करेंगे और ऐसे ही डबल अंडरलाइन आप लोगों को करना है उसके बाद देखिएगा एक तरफ जो भी गद्यांश हो उसके शुरू के दो तीन शब्द और लास्ट के दो तीन शब्द लिख के डैश डैश कर देंगे और देख सकते हो आप लोग कि कैसे इन्होंने पाठ का नाम लिखा कैसे इन्होंने लेखक का नाम लिखा ठीक है ना ऐसे ही आपको इसी प्रकार से सफाई देना है उसके बाद देखिए संदर्भ लिखने के बाद आप लोगों को एक लाइन का गैप देना है जैसे इन्होंने दिया है ठीक है उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या देखिए गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर ऐसे ही लिखना है पहला ऑप्शन डाल के आप लोग पाठ का नाम लेखक का नाम लिखेंगे दूसरा ऑप्शन डाल के रेखांकित अंश की व्याख्या लिखेंगे ठीक है और इस तरीके से जिस लाइन में हेडिंग डाल दिए उस लाइन में नहीं लिखेंगे नीचे वाली लाइन से लिखना ही स्टार्ट करेंगे ध्यान देना इस तरीके से आप लोग देख सकते हो कि रेखांकित अंश की व्याख्या इन्होंने करीब पाँच से छः लाइन लिखा हुआ है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉपी है ऐसे ही आपको एग्जाम में लिखना है तभी फुल मार्क्स की बरसात होगी और कोई भी आपका एक मार्क्स नहीं काटेगा यहाँ पे देखिए तीसरा क्वेश्चन डाल करके यहाँ पर इन्होंने इस तरीके से लिखा दो लाइन में एक पेज में इनका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया ठीक है उसके बाद देखिएगा यहाँ पर नेक्स्ट पेज आ चुका है इसमें इन्होंने दूसरा प्रश्न सॉल्व किया है प्रश्नोत्तर संख्या दो यहाँ पर ऐसे ही हाईलाइट हेडिंग डालना है ठीक है ना ऐसे ही उसके बाद देखिए एक तरफ इन्होंने पद्यांश के शुरू के दो तीन शब्द और लास्ट के दो तीन शब्द दूसरी तरफ उसके बाद डैश डैश कर दिया ठीक है कि हम इस पद्यांश को सॉल्व कर रहे हैं उसके बाद पहला ऑप्शन देखिए संदर्भ इन्होंने ऐसे लिखा है और ऐसे ही एग्जाम में आपको लिखना है कि जो भी कवि हो उनका नाम आपको हाईलाइट करना है और जो भी चैप्टर हो उसका नाम आपको हाईलाइट करना है ठीक है ना ऐसे में एग्जामिनर का फोकस ज़्यादा होता है आपकी कॉपी पर और आपको अच्छे अंक मिलते हैं देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या में आपको ऐसे हेडिंग डालना है और ऐसे ही लिखना है जैसे इन्होंने लिखा है देख सकते हो कि ज़्यादा बड़ा इन्होंने रेखांकित अंश की व्याख्या नहीं लिखा है ठीक है और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि इन्होंने किस पेन का यूज किया है और अगर आप इस पेन का यूज करेंगे तो कॉपी आपकी बर्बाद नहीं होगी आपकी कॉपी बहुत ही अच्छी लगेगी ठीक है ना और ऐसे ही आप लोग लिखेंगे देखिएगा यहाँ पर तीसरा नंबर इन्होंने जो भी क्वेश्चन है एक लाइन छोड़ करके आंसर किया है ठीक है और दूसरा क्वेश्चन एक पेज में हो गया अब देखिए प्रश्नोत्तर संख्या तीन में इन्होंने संस्कृत का जो गद्यांश आता है ना उसका इन्होंने सॉल्यूशन किया है एक तरफ देखिए नागरिका बहुकालम लिख दिया दूसरी तरफ दस से रुपये काड़ी दत्तानी ठीक है ना अब देखिएगा यहाँ पर डैश डैश कर दिया देखिए जो भी पेन बेस्ट है मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे संदर्भ में देखिएगा इन्होंने इस तरीके से लिख दिया हिंदी अनुवाद भी आप लोग देख सकते हो कैसे इन्होंने लिखा है ठीक है ना बस ऐसे ही आपको ध्यान देना है इसी तरीके से एग्जाम में आप लोगों को लिखना है तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे अब देखिएगा प्रश्नोत्तर संख्या चौथे में इन्होंने संस्कृत का जो श्लोक आता है ना उसका सॉल्यूशन किया है इस तरीके से डाल दिया प्रश्नोत्तर संख्या चौथा उसके बाद एक तरफ नीर छीर विवेके हंसा लक्ष्यम तुमे तनुषे चेत दूसरी तरफ पाल ऐस्य कहा ठीक है ना यानी शुरू के दो तीन शब्द लिखना है फिर देखिए संदर्भ इन्होंने लिखा लाइन छोड़ा प्रसंग लिखा फिर लाइन छोड़ा हिंदी अनुवाद लिखा ठीक है अब देखिए आगे मेन चीज पर आते हैं भाई खंड काव्य का हमें कितना लिखना है देखिएगा वीडियो बहुत ज्यादा खास है एक एक चीज को देख करके जाइएगा किस क्वेश्चन का कैसे आपको सॉल्यूशन करना है ठीक है ना देखिए प्रश्नोत्तर संख्या पांच में इन्होंने जय सुभाष खंड काव्य का किया कर सकते हो ठीक है इन्होंने जय सुभाष का किया उसके बाद देखिए कैसे लिखा जय सुभाष खंड के प्रमुख पात्र सुभाष चंद्र का चरित्र चित्रण इस प्रकार है उसके बाद देखना कि इन्होंने कितने पेज लिखा यानी चरित्र चित्रण जो है काफी ज्यादा डाउट होता है कि हम कितने पेज लिखें तो आप लोग हेडिंग भी गिनना पेज भी गिनना देख सकते हो ये हो गया इनका पहला पेज ठीक है प्रखर प्रतिभाशाली उसके बाद देखिएगा आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पर यहाँ पे इन्होंने दूसरी हेडिंग डाला स्वाभिमानी साहसी एवं निर्भीक ठीक है इन्होंने इतना लिखा उसके बाद तीसरी हेडिंग महान देशभक्त और स्वतंत्रता प्रेमी ठीक है यहाँ तक लिख दिया उसके बाद देखते जाना कितना आपको लिखना है जनता के प्रिय नेता चौथी हेडिंग डाला पांचवी हेडिंग ओजस्वी वक्ता डाल दिया ठीक है और छठवी हेडिंग निष्कर्ष डाल दिया इस तरीके से आप लोगों को किसी का भी चरित्र चित्रण लिखना है एग्जाम में आएगा तो तभी आपको पूरे पांच अंक इसके मिलेंगे अन्यथा आपके मार्क्स कट जाएंगे हंड्रेड परसेंट चास्स है देख सकते हो एक पेज ये भर गया, एक पेज ऊपर वाला भर गया और आधा पेज ये ठीक है ना लगभग एक पेज यही यानी दो से तीन पेज में इन्होंने लिखा है और ऐसे ही आपको भी लिखना है उसके बाद देखो जीवन परिचय प्रश्नोत्तर संख्या छठवें का का यानी का और खा करके दो जीवन परिचय पूछे जाते हैं तो का में इन्होंने जो भी ऑप्शन जैसे पहले वाले ऑप्शन यानी रामचंद्र शुक्ल जी का लिखा तो ऐसे लिख दिया और हाईलाइट कर दिया दो लाइनें खींच दिया ठीक है अब देखिए कितना जीवन परिचय इन्होंने लिखा है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को डाउट होता है कि जीवन परिचय हम कितना लिखें देखिए यहाँ पर संक्षिप्त परिचय भी आप लोग साइड में लिख सकते हो हालांकि वो जरूरी नहीं है ठीक है ना वो पेपर में दिया भी नहीं रहता कि संक्षिप्त परिचय दो आपको जीवन परिचय लिखने के लिए कहा जाता है तो आप लोग पूरा लिखें ऐसे लिखें जैसे मैं बता रहा हूँ ठीक है देखिए इतना आप लोगों को सबसे पहले लिख देना है उसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज पर इन्होंने इतना लिखा उसके बाद देखिए रचनाएं भी लिखा ठीक है अब देखिए रचनाएं लिख दिए इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार है देखिए दो एक तीन रचनाएं ही पूछी जाएंगी जरूरी नहीं है कि आपको सभी रचनाएं लिखें ठीक है देखिए अब इसके बाद यहाँ पर इनकी तीन लाइनें बची हुई थी अब तीन लाइनें बची हुई थी तो भाई तीन लाइन के लिए इन्होंने प्रश्नोत्तर संख्या इस पेज में नहीं डाला ठीक है आप लोग ऐसी स्थिति में साइड में यहाँ पे पी लिख दिया करें ठीक है ना प्लीज टर्न ओवर ठीक है ना इसका मतलब ये होता है कि कृपया अगला पेज पलटें ठीक है उसके बाद देखिए अगले पेज में इन्होंने प्रश्नोत्तर संख्या छठवें खा डाल दिया हेडिंग ठीक है इसमें कैसे लिखा भाई पहला ऑप्शन यानी तीसरे वाला किया बिहारी लाल जी का जीवन परिचय तो कैसे इन्होंने लिखा है आप लोग देख सकते हो ठीक है ऐसे आपको एक पेज तो पहले इतना इन्होंने लिखा उसके बाद देखिए इतना इन्होंने लिखा अब आप में से कई लोग कहें यार काफी ज्यादा कम है ये कम नहीं है दोस्तों ये बिल्कुल फिट है क्यों क्योंकि जानते हो जो लोग एक ही प्रश्न को चार चार पेज पांच पांच पेज यानी ज्यादा नंबर लेने के चक्कर में बढ़ा करके लिखते हैं ना उनका पेपर आधा अधूरा ही छूट जाता है और पूरे प्रश्न वो नहीं कर पाते हैं और एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिलेगा ध्यान देना अगर कोई प्रश्न पाँच अंक का है तो पाँच अंक ही उसमें मिलेगा आपको अगर आपने अच्छा आंसर लिखा है तो देखिए अब यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या आठवां डाल दिया और जो भी प्रश्न पूछे गए थे संस्कृत से कि कुत्र मरणम मंगलम बहुत तो वाराणस्याम मरणम मंगलम बहुत ठीक है और अलछेन्द्रा कह आशित तो, तो अलछेन्द्रा यवन राजा आशित ठीक है दो प्रश्न इन्होंने किया है और इस तरीके से जो भी प्रश्न यानी का खा गाघा दिए गए थे तो खा वाला किए और घा वाला किए ठीक है और यहाँ पे दो तीन लाइनें थी इनको छोड़ करके आगे बढ़ गए पी साइड में आप लोग लिख देंगे ठीक है जरूरी नहीं है कि पी लिखें ना लिखें वो आपके टाइम के ऊपर है टाइम मिले तो लिखें नहीं कोई दिक्कत नहीं अब देखिएगा प्रश्न उत्तर संख्या नौ में इन्होंने निबंध लिखा है काफी ज़्यादा स्टूडेंट्स का डाउट होता है कि भैया यहाँ पे नौ अंक निबंध में मिले हुए हैं तो क्यों मिले हुए हैं मेन बात यह है निबंध में नौ अंक मिले तो क्यों मिले चलिए देखते हैं देखिए सबसे पहले आपको ऐसे हाईलाइट करके हेडिंग डालना है काका गागा अंगा तक टॉपिक दिया रहेगा जैसे गा वाला आप लिख रहे हैं तो गा लिख देंगे और ऐसे ही लिख देंगे ठीक है अब देखिए हेडिंग रूपरेखा डाला जिसमें इन्होंने पांच हेडिंग्स बनाई ठीक है पांच हेडिंग बनाए उसके बाद पहली हेडिंग प्रस्तावना डाल दिया देखिए कितना लिखा इन्होंने पूरा एक पेज तो ये हो गया निबंध का ठीक है उसके बाद देखो नेक्स्ट पेज भारत में जनसंख्या वृद्धि में हेडिंग डाला और कितना लिखा आप लोग देखते जाना कितना लिखने पर नव अंक मिलेगा नहीं तो आप लोग जाएंगे एक पेज लिख करके चले आएंगे और कहेंगे हमारे साथ बेईमानी हुई है देख सकते हो एक हेडिंग में इन्होंने एक पेज पूरा भर दिया ठीक है अब देखो भाई तीसरा पेज आ चुका है जनसंख्या वृद्धि से हानि इस हेडिंग को डाला और इतना लिखा ठीक है अब देखिए यहाँ पे चौथी हेडिंग डाला और इतना लिख दिया देखिए चार तीन पेज पूरे हो गए अब देखिए चौथा पेज चौथा पेज में भी इन्होंने उपसंहार हेडिंग डाला और इतना लिखा ठीक है तब जाके देखिएगा चार पेज इन्होंने पूरा निबंध लिखा है कितना लिखा है चार पेज ये समझ लो दोस्तों कि अगर चार पेज लिख करके आओगे ना तभी फुल मार्क्स मिलेगा नहीं तो आपके मार्क्स कट जाएंगे गारंटी के साथ कहता हूं इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है ठीक है देखो प्रश्नोत्तर संख्या सात इन्होंने लास्ट में किया जो भी श्लोक था ठीक है श्लोक लिखने को था सर्वे भवंतु सुखिना सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणी पश्यंतु माकस्य दुख भाग भवे उसके बाद देखिए लास्ट में इन्होंने क्या किया एक लाइन ऐसे खींच दिया ऐसे ही आपको भी करना है जहाँ से आप कॉपी लिखना है। ख़त्म करेंगे वहाँ पे ऐसे आप लोग लाइन खींच के और रोल नंबर अपना लिख देंगे ठीक है जैसे इन्होंने अपना रोल नंबर लिख दिया इससे क्या बेनिफिट होगा कि मान लीजिए कि एग्जामिनर अगर आपकी कापी में कोई भी छेड़छाड़ी करते हैं या कोई भी गलत शब्द आपकी कापी में इतना लिखने के बाद अगर कोई भी लिखा जाता है अगर बाद में आपकी कॉपी पकड़ी जाती है तो उसमें आपका दोष नहीं माना जाएगा उसमें दूसरे का दोष माना जाएगा क्योंकि आपने यहाँ से कापी ख़त्म कर दिया और रोल नंबर लिख दिया ठीक है ये हमेशा जब आप कॉपी पाएंगे तो उसके पिछले प्रश्न में आप लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पे सब निर्देश लिखे रहते हैं तो इस तरीके से आप अगर बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखेंगे ना तो सत्तर में सत्तर देने से कोई भी कसर नहीं लगाएगा हर एग्जामिनर आपको सत्तर में सत्तर देगा ठीक है ना उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें ताकि अन्य लोगों तक ये वीडियो पहुँच पाए मिलेंगे आप सभी के साथ अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत